तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, झारखंड को पहली बार विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की सौगात मिली है। इस नए ट्रेन के साथ गिरिडीह तक का सफर अब आसान होगा। 150 साल में ये पहली बार हुआ कि गिरिडीह से सीधे कहीं के लिए ट्रेन चली है, और इसी कड़ी में अब ये गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस कोडरमा पहुंची। कोडरमा पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ ही स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह से ट्रेन में सवार होकर पहुंची केंद्रीय शिक्षा व राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों का अभिवादन भी किया। ट्रेन के आगमन को लेकर कोडरमा स्टेशन पर उत्साह का रंग था। कई सालों से इस ट्रेन के परिचालन को लेकर लोगों की डिमांड हो रही थी, और अब मांग पूरी होने के बाद लोगों ने इस ट्रेन का स्वागत किया है। कोडरमा स्टेशन पर पहुंचने से पहले यह ट्रेन डोमचांच प्रखंड के महेशपुर स्टेशन में भी रुकी, जहां लोगों ने इसका स्वागत किया। फूल मालाओं से सजी इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही कोडरमा स्टेशन पहुंची, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने, और भारत सरकार के साथ साथ रेल मंत्रालय के प्रति भी आभार जताया। ये ट्रेन कोडरमा स्टेशन पर आधे घंटे रुकी, जहां ट्रेन का इंजन दूसरी ओर लगाया गया, और फिर ये ट्रेन हजारीबाग टाउन के लिए रवाना हो गई। ट्रेन के साथ कोडरमा पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज लोगों की मांग पूरी हुई है, और इस ट्रेन के शुरू होने से व्यावसायिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। वहीं मौके पर मौजूद धनबाद रेल मंडल के DRM के सिन्हा ने कहा कि ट्रेन में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। ट्रेन में विस्टाडोम कोच के साथ साथ AC और सामान्य डिब्बे भी लगाए गए हैं। आज आपको बताएं कि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी को कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह जिला की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों की, जनमानस की जो मांग थी उसको पूरा किया। और इस ट्रेन के माध्यम से, चूंकि इंटरसिटी है, विस्टाडोम कोच भी लगा हुआ है, गिरिडीह से चलकर ये रांची तक जाएगी, तो उस रास्ते चाहे गिरिडीह हो, जमुआ है, राजधनवार है, महेशपुर डोमचांच है, फिर कोडरमा स्टेशन, इसके आगे फिर हजारीबाग से होकर रांची तक जाएगी, तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। इसमें सभी सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें जनरल कोच है, सीटिंग कोच है, AC सीटिंग कोच है, विस्टाडोम कोच है, सभी तरह की व्यवस्था है, व्यवस्था रखी गई है इसमें, ताकि सभी वर्गों को, सभी वर्ग इसमें आराम से ट्रेवल कर सकें, आपका जो हेल्थ ग्राउंड पे ट्रेवल कर सकें, हेल्थ जो आपकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, साथ में ऑफिस, कोर्ट कचहरी, एजुकेशन, पर्यटन स्थल, सबके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी साबित होगी। विकास की गाथा तो गाई जाएगी, चूँकि गिरिडीह से रांची के लिए किसी भी तरह का इस तरह का ट्रेन नहीं था, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, गिरिडीह से कोडरमा, फिर कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, और सीधे ट्रेन होने से खास करके व्यवसायी लोगों को और आम लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।